और एक बार फिर बिरला शिशु विहार बीट्स पिलानी से मैं आपका अपना दोस्त गजानन फिर हाजिर हूँ। आप सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इसमें बॉयज़ का फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सुभाष हाउस की टीम के साथ परिचय लेते हुए इस समय राजू लाल जी चौधरी DSP ऑफिसर इंचार्ज स्पोर्ट्स राजस्थान पुलिस जयपुर मुखातिब होते हुए टीम का हौसला अफजाई इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और DSP के पद पर कार्यरत है राजस्थान पुलिस में। स्पोर्ट्स वो ऑफिसर इंचार्ज भी हैं। तमाम ऑफिशियल यहाँ पे। और अब गांधी हाउस के साथ परिचय लेते हुए दो टीमें इस समय गांधी हाउस और बिटवीन सुभाष हाउस के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा प्रो कबड्डी स्टाइल में। परिचय की ये बांधगी इस समय बिरला शिशु विहार बीट्स कैंपस पिलानी जो पूरे विश्व में विख्यात है। ये जो आप देख पा रहे हैं रिस्पेक्टेड राजू लाल जी चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं। और अब लीजिए खेल शुरू का इशारा। पहला रेड इस समय गांधी हाउस के RD चले हैं पहले रेड के ऊपर। सामने है सुभाष हाउस और बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। अच्छी शुरुआत है गांधी हाउस की। टॉस भले ही सुभाष हाउस ने जीता लेकिन शुरुआत यहां पे गांधी हाउस की बेहतरीन। इस बार लीजिए सुभाष हाउस रेड के ऊपर है कॉर्नर के ऊपर निशाना बनाया बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। यानी इधर से भी वही शुरुआत जो गांधी हाउस ने की थी। दो दो से बराबरी पे है स्कोर। रोमांचक मुकाबला। ये बेहतरीन कैच किया है कॉर्नर के ऊपर शानदार। ऑडियंस की जितनी भी तारीफ है उतनी कम है। एक बार फिर से रेड के ऊपर सुभाष हाउस पॉइंट की तलाश। मलिक चले हैं 17 नंबर जर्सी में। सुभाष हाउस बिटवीन गांधी हाउस आमने सामने और लक्ष्य तक पहुंच गए। सफल रेड यहां पे क्या सुपर रेड होगा देखते हैं। आखिर दो पॉइंट का इशारा इसे बीच सुभाष हाउस इसी के साथ 5 पे जा पहुंचा है जबकि टैगो गांधी हाउस 2 पे रुका हुआ। RD 18 नंबर दर्शे में और ब्लॉक करने की कोशिश बेहतरीन। अरे वाह शानदार टेकल। ऐसी ताकत चाहिए सुभाष हाउस की जितनी तारीफ है उतनी कम है। एक के बाद एक बेहतरीन टेकल यहां पे और सुपर टेकल इस समय ऑन है। 2 का डिफेंस पॉइंट अर्जित करने का आसान मौका लेकिन यहां डिफेंडर सेल्फ आउट। JP बोनस तक पहुंचते हुए JP कैच किया है मगर पहुंच गए। यह सुपर है और लगातार गणना करते हुए यहां पे देखिए मिस्टर शेखावत। एक बार फिर सुभाष हाउस रेड के ऊपर 16 नंबर दसवें पर उतर के तौर पर लेकिन शानदार टेकल यहां देखने को मिला। अब छोड़ने वाला नहीं है गांधी हाउस। पहला बेहतरीन टेकल गांधी हाउस के लिए दे रहा है दुरुस्त आए और स्कोर इसी के साथ गांधी हाउस का 7-7 बराबरी पे। और यानी क्या सुपर टेकल में यानी 2 पॉइंट जाएंगे इसी के साथ। शानदार मुजाहिरा सुभाष हाउस 9 जबकि गांधी हाउस 7। 5 का डिफेंस है ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्कोर की अगर बात करें तो लेकिन यहां पहुंच गए एक और सफल रेड। ये देखिए अनुभव का फायदा उठाते हुए। अरे वाह 3 पॉइंट यानी कि बोनस के साथ 2 पॉइंट ये सुपर रेड सुपर डुपर सुभाष हाउस। लाल पोशाक में जो आप देख रहे हैं यह है सुभाष हाउस जो इसमें पूरी फॉर्म में है। और ये लीजिए शानदार डिफेंस यहाँ पे क्या कमाल का टेकल। स्कोर बढ़ता हुआ 13। खतरा मंडराने लगा है ऑल आउट का। मलिक है रेड के ऊपर टच पॉइंट यहाँ मिलेगा आसानी से। जी हाँ और अब अंतिम खिलाड़ी यदि कैच करते हैं तो पहली बार ऑल आउट होगी यहाँ पे गांधी हाउस
सुभाष हाउस 14 पे, जबकि गांधी हाउस 7 पे। अरे वाह, जबरदस्त टैकल यहां पे, सीने से लगा लिया। तुझे सीने से लगा लूं तो ऑल आउट करने में कामयाब। करीब 5 मिनट के खेल में सुभाष हाउस ने गांधी हाउस को ऑल आउट किया है। और बढ़त यहां पे देखिए 10 अंकों की इसी के साथ, 7 के मुकाबले 17 जा पहुंचा सुभाष हाउस इस फाइनल मुकाबले में। पूरी फॉर्म में है, तमाम ऑफिशियल्स यहां पे पूरा आनंद उठाते हुए इस खेल का। और यहां पे सफल रेड एक बार फिर से बोनस के साथ पॉइंटर जीत गया। कुल 2 अंक जोड़ दीजिए सुभाष हाउस के खाते में, यानी बढ़त और मजबूत। पहले आपका खेल, अपने अपने टीमों को पूरी सपोर्ट करते हुए ऑडियंस। आरडी अंडर प्रेशर क्योंकि टीम बैक फुट पे है। कॉर्नर के ऊपर लेकिन दबाव में अक्सर आसान नहीं पॉइंट अर्जित करना। बोनस के साथ है, जरूर लौटे हैं। बड़ी देर के बाद ये अंक अर्जित किया है गांधी हाउस ने। इधर से भी बोनस तक पहुंच गए लेकिन पॉइंट की तलाश। स्कोर और यह दीजिए, कमाल का टैकल, बेहतरीन कैच दिखाई है टैगोर, माफ कीजिए, गांधी हाउस के डिफेंडर ने। ऐसे ही ताकत चाहिए, ऐसी ही ताकत चाहिए बोनस के ट्राई यहाँ पे। और लीजिए, ये 2 पॉइंट के साथ बोनस होना चाहिए। कैच किया है लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते देखते हैं आखिर रेफरी का निर्णय क्या रहता है। रेड आउट एक बार लगा, शायद लक्ष्य तक पहुंच गए हैं लेकिन शायद कुछ सेंटीमीटर पीछे थे। स्कोर 13 के मुकाबले 19, 6 अंकों की बढ़त है सुभाष हाउस के पास। लेकिन खतरा इस समय सुपर टेकल का सामना करता हुआ सुभाष हाउस, 3 का डिफेंस है गांधी हाउस के पास। मौका है वापसी का, यदि यहां से पॉइंट अर्जित करता है तो फिर ऑल आउट करने में देर नहीं लगेगी। क्या टच पॉइंट मिलेगा? नहीं, केवल उत्साह में ही नजर आए। बोनस रेखा तक पहुंचते हुए बोनस जरूर अर्जित किया लेकिन सुपर टेकल का खतरा अभी भी बना हुआ है सुभाष हाउस के ऊपर। जब तक सुपर टेकल से बाहर नहीं आएगा, अरे वाह कैच किया है और यहां पे कैच करने में कामयाब। एक पॉइंट बटोरने में कामयाब और सुपर टेकल के खतरा था उससे बाहर आ गया है। अरे वाह, उड़ान भरी यहां पे डकोटा हवाई जहाज की तरह और सीधे अपने घर में लैंड हो गए। जो सुपर टेकल का खतरा था वो टल चुका है। और अब यहां देखते हैं 13 के मुकाबले 23, यानी 10 अंकों के बेशकीमती बढ़त। और इस बढ़त को काटना आसान नहीं होगा गांधी हाउस के लिए। पहले आपका खेल, गलती की है यहाँ पे, एक अंक बोनस के साथ यानी 2 पॉइंट जोड़ दीजिए गांधी की गरिमा में। 15 स्कोर पहुँचता हुआ 13 के मुकाबले। यहाँ चकमा दिया, पहुंच गए सफल रेड, 2 पॉइंट इधर से भी अर्जित किए हैं। खेल पूरी चरम सीमा पे इसी के साथ 15-25, यानी 10 अंकों की बढ़त। और ये लीजिए कैच किया है, शानदार कैच। क्या बोनस तक पहुंच गए थे? नहीं, सुपर टेकल ऑन, सिर्फ 2 का डिफेंस। मौका है सुभाष हाउस के पास ऑल आउट करने का लेकिन सुपर टेकल में कमाल का एफर्ट। यहां पे लीजिए 2 पॉइंट गांधी की गरिमा में। ऐसा ही खेल दिखाना होगा गांधी हाउस को वापसी के लिए। और जैसे ही सुपर टेकल में बॉन्स अर्जित किया, हौसले जरूर बुलंद हुए होंगे। वाह,
और ये लीजिए, अरे वाह, एक बार लगा लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजार किया तो गलती कर बैठे। 17-27 सुभाष हाउस की बढ़त है 10 अंकों की, और सुपर टेकल का खतरा यहां पे फायदा उठाया। अंतिम खिलाड़ी शूटर के नाम से मशहूर ये रेडर, गलती की है सुभाष हाउस ने, लक्ष्य तक पहुंचता हुआ बोनस के साथ यानी 2 पॉइंट जीत के अब 19 स्कोर बढ़ता हुआ गांधी हाउस का। मलिक 17 नंबर जर्सी में, गलती फिर से दोहराता हुआ गांधी हाउस। जेपी और शानदार कैच लीजिए, ये है शानदार सुभाष हाउस का टेकल। कुछ हिदायत दी जा रही है, वार्निंग इस समय रेफरी के द्वारा। स्कोर है 31 सुभाष, जबकि गांधी हाउस 19, 12 अंकों की बढ़त, और ये बढ़त कम नहीं कही जा सकती। बोनस तक तो पहुंचे और लक्ष्य तक भी पहुंच गए, लीजिए 2 पॉइंट जोड़ दीजिए, 2 पॉइंट के साथ बोनस यानी 3 अंक सुपर रेड। गांधी हाउस सोच रहा है क्या किया जाए सुभाष के सामने। पंद्रह अंकों की बढ़त है सुभाष हाउस के पास, और वापसी करना कठिन चुनौती गांधी हाउस के लिए। मौके की तलाश में है लेकिन इतना आसान नहीं यहाँ पॉइंट अर्जित करना। कैच तो किया मगर रोक नहीं पाए, लक्ष्य तक पहुंच गए क्योंकि लक्ष्य रेखा के बिल्कुल करीब थे। बोनस के साथ फिर से पॉइंट जोड़ दीजिए, यानी कि अभी 21 स्कोर हो चुका है, लेकिन खेल में 21 नज़र नहीं आया अभी तक गांधी हाउस, सुभाष हाउस 21 नज़र आ रहा है। बाएं कॉर्नर पे मौके की तलाश, रहाड़ है इस समय रेड पे 34 नंबर जर्सी में। इससे पहले बालिका वर्ग में रमन हाउस ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन साइड लाइन से बाहर भेजा, बोनस तक पहुंचे दोनों टीमों की झोली में 1-1 अंक। राहुल रेड के ऊपर कैच करने का प्रयास मगर नाकामयाब, 1 अंक गंवाया सुभाष हाउस ने। 12 नंबर जर्सी में शानदार कैच किया है, ऐसा ही प्रदर्शन की जरूरत वापसी के लिए गांधी हाउस को। चीफ गेस्ट के रूप में रिस्पेक्टेड राजू लाल जी चौधरी पहुंचे हैं यहां पे, डीएसपी ऑफिसर स्पोर्ट्स इंचार्ज राजस्थान पुलिस जयपुर, और यहां पे 1 अंक फिर से गंवाया सुभाष हाउस ने। बढ़त के बावजूद गलतियां करता हुआ बोनस तक पहुंचता हुआ कैच किया है और साइड लाइन से बाहर भेजा, अच्छा कार्य किया, यानी दोनों टीमों की झोली में 1-1। 26-36 और ऑल आउट का खतरा है पहली बार सुभाष हाउस के ऊपर। अंतिम खिलाड़ी इसलिए आसान मौका कैच करने की कोशिश, मगर आदित्य को बाहर भेजा, इसलिए पहली बार ऑल आउट किया है गांधी हाउस ने। टैगोर हाउस को 3 पॉइंट अर्जित करता हुआ इसी के साथ बढ़त को कम किया है 29-36, 7 अंक की बढ़त है इस वक्त। पहले आपका खेल बिल्कुल समाप्ति के करीब है, मध्यांतर का समय जेपी कैच करने की कोशिश, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचता हुआ जेपी, एक गलती यहां पे फिर से, टेक्निकल पॉइंट दिया गया है गांधी हाउस को क्योंकि रेड लेकर जब आगे नहीं जाते, और यहां गलती करता हुआ पॉइंट फिर से गवाया सुभाष हाउस ने। इसी के साथ तमर चले हैं
12 नंबर जर्सी में शानदार कैच एक बार फिर से है। इसी के साथ लीजिए मध्य अंतर, लीजिए दूसरे हाफ का खेल शुरू। पहले हाफ में सुभाष हाउस ने जबरदस्त खेल दिखाया और बढ़त बनाने में कामयाब रहा गांधी हाउस के ऊपर, जिसके चलते अंडर प्रेशर नजर आ रहा है। कैच करने में कामयाब लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए, एक बार लगा शायद रोक पाएंगे, साथी यदि देखते रहेंगे तो फिर कैसे रोक पाएंगे। अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ में गांधी हाउस के, राहुल 4 अंक की मामूली बढ़त है सुभाष हाउस के पास, कुछ हद तक तो वापसी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहां पे साइड लाइन से बाहर भेजा, अच्छा कार्य किया पुश करते हुए चीफ गेस्ट के पाले में, यानी लगातार 2 पॉइंट बैक टू बैक। और अब सिर्फ 3 अंक की बढ़त है सुभाष हाउस के पास, जो टेकल दिखाए वो कमाल कर लीजिए। ऑल आउट यहाँ पे सुभाष हाउस, दूसरे हाफ में पहली बार ऑल आउट किया है। और ये लीजिए शानदार टेकल यहाँ पे, कमाल का कैच किया, उतना ही बेहतरीन डिफेंस ब्लॉक देखने को मिला। फिर से यहाँ पे इस दीवार को भेद नहीं पाए, दो डिफेंडर ने मिलकर जो सर्किल बनाया उसी में फंस गए। रोमांचक मोड पे है मैच, 5 अंक की बढ़त है सुभाष हाउस के पास। गलती करते हुए आर्यन है रेड पे, क्या यहाँ पॉइंट दिला पाएंगे टीम को। आर्यन आरडी के नाम से मशहूर, बोनस का अच्छा प्रयास लेकिन लक्ष्य तक नहीं, ऑडियंस में हलचल। मलिक को टच किया, उसे बाहर भेजते हुए बोनस भी अर्जित किया, कुल मिला के 2 पॉइंट। और ऐसे ही यदि पॉइंट अर्जित किए तो जरूर वापसी होगी, खाली हाथ ही वापिस लौटे, बोनस का इशारा इसी बीच, यानी कि स्कोर देखिए 41-43, सिर्फ 2 पॉइंट का अंतर है यहाँ पे। और ये लीजिए एक और पॉइंट यहाँ पे, रहाड़ को बाहर भेजा, यानी स्कोर देखिए 43-43, बहुत ही शानदार मुजाहिरा। तो राजू की तरह तुल गया मुकाबला, कैच किया है जबरदस्त, उतना ही शानदार टेकल यहाँ पे, ये ताकत नजर आई है गांधी हाउस की इस मैच में। हल्का सा चोट लगा है शायद, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहली बार बढ़त पे है इस समय गांधी हाउस, देखिए कैसे बाजी पलट गई है। दूसरे हाफ में गिरगिट की तरह रंग बदल गया खेल, यहाँ कैच किया लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए, ये है सुपर रेड, कुल मिला के 3 पॉइंट। और हौसले बुलंद है इस समय, 7वें आसमान पे गांधी हाउस, सोचा नहीं था कितनी मजबूत बढ़त होगी, उसके बावजूद गांधी हाउस वापसी करेगा। सुभाष हाउस सोच रहा क्या किया जाता है, वर्क को काज किया है, शानदार टेकल 47। अच्छा प्रयास बोनस का, बोनस के साथ पॉइंट, यानी 800 आता हुआ गांधी हाउस का 51। अरे वाह, एक बार फिर से कमाल का कैच किया, यही ताकत है गांधी हाउस की। हालांकि बोनस भी अर्जित किया रेडर ने, कुल मिलाकर दोनों टीमों की झोली में एक एक अंक। सुभाष हाउस के लिए मुश्किल है वापसी करना, कैच किया है लेकिन पकड़ मजबूत नहीं, इसलिए लक्ष्य तक पहुंच गए। 45 के मुकाबले 53 है गांधी हाउस,
दोहराई है बोनस के साथ 2 पॉइंट यानी कुल मिलाकर 3 अंक। यह है बॉयज फाइनल मैच की वानगी। बिरला शिशु विहार पिलानी की पावन पवित्र धरा पे जो पूरे विश्व में शुमार हो, चाहे वो बिट्स की बात हो, चाहे वो बिरला म्यूजियम हो, सरस्वती टेम्पल या फिर CSIR रिसर्च सेंटर, ये लीजिए शानदार रेड यहाँ पे 2 पॉइंट बटोरने में कामयाब प्लस बोनस। 56 इंच का सीना इस समय देखे गांधी हाउस का, स्कोर है 56 गांधी हाउस। डेविड जबकि सुभाष हाउस 48 के ऊपर, यानी 8 अंकों की बढ़त है और ये काफी बेशकीमती। दूसरे आपका खेल गलती दोहराई है, 2 पॉइंट यहां गंवाए, एक बोनस के रूप में और एक टच पॉइंट। सुभाष हाउस 50 जबकि गांधी हाउस 56। जेपी रेड पे, जेपी पॉइंट के साथ लौटे हैं। इसी के साथ 57 टच पॉइंट। लक्ष्य तक पहुंचते हुए सुभाष हाउस 51-51 जबकि गांधी हाउस 57, यानी 6 अंकों का अंतर है इस वक्त, ज्यादा नहीं कहा जा सकता लेकिन जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है गांधी हाउस के पिछड़ने के बाद वापसी के। एक बार 12 अंक की बढ़त थी सुभाष हाउस के पास, तब सोचा नहीं था गांधी हाउस वापसी कर पाएगा लेकिन ग्रेट कमबैक। कैच करने की कोशिश की, ऑडियंस का भी खुश है, बहुत ही शानदार बांधगी। पचपन 58 यानी 3 अंक का अंतर है। जेपी क्या पॉइंट मिलेगा समझ आया करता हुआ। दूसरे हाफ का खेल, इसलिए जिसके पास बढ़त है तो पिछले रेड पे 1 अंक मिला था सुभाष हाउस को और यहाँ पे गलती दोहराता हुआ गांधी हाउस 1 पॉइंट गंवाया। जेपी एक बार फिर पूरी फॉर्म में है जेपी, और जेपी ने जो प्रदर्शन किया जबरदस्त, दर्शकों में जबरदस्त शोर शराबा, पूरा आनंद लेते हुए 1 अंक 60 यानी 60 स्कोर इसी के साथ गांधी हाउस का। और ये लीजिए शानदार टेकल, एक और पॉइंट जोड़ दीजिए। सुभाष हाउस 56 जबकि गांधी हाउस 61 यानी 5 अंकों की बढ़त, बहुमूल्य रिस्पेक्टेड राजू लाल जी चौधरी। अरे वाह, ऐसा ही खेल चाहिए वापसी के लिए। क्या चोट लगा है यहाँ पे, हल्का सा चोट लगा है। रोमांचक मोड पे है मुकाबला, अरे वाह जबरदस्त साइडलाइन से बाहर पे जा कैच करते हुए 62 पे जा पहुंचा है गांधी हाउस जबकि 57 पे सुभाष हाउस।
खेलो खेल, जीतो बाजी, हारो तो भी रहो राजी। और यहाँ पे खूबसूरत बांध की कबड्डी के, अरे वाह ये शानदार रेड है, 2 पॉइंट लीजिए। मजबूत होता पलटा इस समय, 65 पे जा पहुंचा, 7 अंकों की बढ़त हो चुकी है इसी के साथ डेविड के ऊपर दारोमदार इस वक्त। और यहाँ पे उड़ान लंबी है मगर पॉइंट बोनस के साथ, यानी 2 पॉइंट कुल मिलाकर। अब 5 अंक की बढ़त, बढ़त को कम किया है 59-64। जेपे चोट लगी थी हालांकि पिछली रेड पे, लेकिन यहाँ वापसी करते हुए और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, 2 पॉइंट फिर से बढ़त 7 अंकों के, 59 के मुकाबले 66। गलती दोहराई है, झपट्टा मारते हुए 1 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट अर्जित किए, लेकिन फिर से बढ़त को कम किया और अब 5 अंक की बढ़त। ब्लॉक करने की कोशिश, उठा ले जाएंगे, जी हाँ, अरे वाह। कई बार काफी फुर्ते थे खिलाड़ी है मलिक, कॉर्नर पे टच किया और उसके बाद 2 खिलाड़ियों को टच किया है, 2 पॉइंट। वापस आता हुआ मैच में सुभाष हाउस, अरे वाह कमाल का रेड यहाँ पे, लेकिन पॉइंट सिर्फ 1। सुपर टेकल ऑन है, यदि ऑल आउट करता है सुभाष हाउस तो वापस मैच में होगा। और यहाँ पे सुपर टेकल का है दमखम, लक्ष्य तक पहुंच गए, देखते हैं। एक बार फिर से कैच किया है मगर पहुंच गए जेपी, जेपी जबरदस्त। 6 अंक की बढ़त हो चुकी है इस वक्त गांधी हाउस के पास, जबकि वापसी के लिए स्ट्रगल करता हुआ। दबाव में है सुभाष हाउस इस वक्त, 10 पॉइंट मिल गया, 1 अंक ही सही। आर्यन चले हैं बोनस या फिर टच पॉइंट, देखते हैं क्योंकि बोनस तो ऑफ है इसलिए टच पॉइंट। सड़सठ 71, यानी 4 अंकों की बढ़त है और साइड लाइन से बाहर भेज दिया। क्या वापसी कर पाएगा सुभाष हाउस, सुपर टेकल का सामना है, संकट मुश्किल में है और यहाँ पे पहुँच गए लक्ष्य तक, 1 अंक गवाया। अंतिम खिलाड़ी सुभाष हाउस का, ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। और यहाँ पे लीजिए 1 पॉइंट अर्जित किया है, उम्मीदें जिंदा हैं सुभाष हाउस के। जेपी जबरदस्त सुपर टेकल और लक्ष्य तक पहुंचते हुए एक बार फिर से अंतिम खिलाड़ी, यानी 68 के मुकाबले 75, 8 अंकों की बढ़त। ऑल आउट करते हैं तो बढ़त 11 अंकों की हो जाएगी। और ये लीजिए इसी के साथ ऑल आउट कुल मिला के 3 पॉइंट गांधी हाउस को। टीमें ही जाकर वापस, 1 अंक अर्जित किया, बेहद दबाव में है सुभाष हाउस। और गलती दोहराता हुआ लगातार सुभाष हाउस,
अब तो शायद चमत्कारी वापस ला सकता है, पर मुश्किल अंतिम मिनट है बाकी। लेकिन ये लीजिए सुपर रन है, बहुत गए, 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट बिल्कुल सुपर रन। स्कोर है इस समय 74 के मुकाबले 80, यानी सुभाष राव सिर्फ 6 अंक पीछे है, यानी 2 अच्छी रेड वापसी करा सकते हैं सुभाष राव को। अब देखते हैं क्या सुपर रन होगी है। 4 का डिफेंस है सबसे मुश्किल, 7 अंकों की बढ़त है, लेकिन 1 पॉइंट ही अर्जित किया। बहुत मुश्किल वापसी करना, सुपर टेकल है, यूवी को बाहर भेजा 1 पॉइंट। ये शायद अंतिम रेड होना चाहिए, इसी के साथ ये अंतिम रेड होगा। और ये देखिए लक्ष्य तक पहुंच गए, क्या ये अंतिम रेड होगा? ये देखिए समय को बचाने की कोशिश, एक पॉइंट अर्जित करने में कामयाब गांधी हाउस। स्कोर है इस समय गांधी हाउस का 82-78 के मुकाबले, और यहां कैच कर लिए गए। इसी के साथ ये अंतिम रेड होगा, अब फाइनल रेड। लीजिए इसी के साथ समय, और यहां मुकाबला गांधी हाउस ने जीत लिया है। बहुत ही शानदार खेल दिखाया, पिछड़ने के बाद जो वापसी की गांधी हाउस ने, सुभाष हाउस को पराजित किया और जीत लिया खेल कबड्डी का। 9 अंकों के अंतर से मुकाबला जीता। खेल भावना का परिचय इस वक्त, खेलो खेल, जीतो बाजी, हारो तो भी रहो राजी, गले लगाते हुए एक दूसरे को खिलाड़ी सुभाष हाउस और गांधी हाउस के जीत का जश्न।